राधिका गौर विद सेशन नंबर 13 ऑफ योर चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल एंड इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट डायरिया. क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे डायरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डायरिया. एक्चुअली डायरिया मे ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरिटिस. क्लियर? जो डायरिया है हम उसे गैस्ट्रोएंटेरिटिस भी बोल सकते हैं एंड इट अकर्स ड्यू टू इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोअन्स एंड अदर इंटेस्टिनल वर्म्स लाइक एस्केरिस. और ये क्या होता है, जो डायरिया है ये एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है जो कि वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोअन्स और कुछ इंटेस्टिनल वर्म्स जो होते हैं जैसे एस्केरिस हुए उनकी वजह से स्प्रेड होता है. क्लियर? ऑल्सो बिसाइड द अबव कॉजेस मॉल न्यूट्रिशन मे लीड टू सर्टेन न्यूट्रिशनल डिसीजेस एसोसिएटेड विद डायरिया. और अबव केसेस जो मैंने आपको बताया दैट इज जो हमारा प्रोटोजोआ है बैक्टीरिया है वायरस है इसकी वजह से फैलता है. उसके साथ साथ जो माल न्यूट्रिशन है वो भी जो ये ऐसी जो न्यूट्रिशनल डिसीजेस होती हैं डायरिया वगैरह उनको भी लीड कर सकता है. क्लियर? दैट माल न्यूट्रिशन मे लीड टू सर्टेन न्यूट्रिशनल डिसीजेस एसोसिएटेड विद द डायरिया. एक्चुअली डायरिया इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन स्पेशली दोज बिटवीन 6 months एंड 2 years ऑफ एज. जो डायरिया है वो चिल्ड्रंस में काफ़ी कॉमन है स्पेशली उन चिल्ड्रंस में जो 6 months और 2 years एज वाले होते हैं. सिक्स मंथ से टू ईयर्स की एज तक के बच्चों को ये नॉर्मली ज़्यादातर होता है. डायरिया इज मोर कॉमन इन पर्सन विद माल न्यूट्रिशन. और इस ये जो डायरिया है सबसे ज़्यादा नॉर्मली उन पर्सन में देखने को मिलता है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन अवेलेबल रहता है. द पर्सन विद माल न्यूट्रिशन मे हैव डायरिया इन मोस्ट केसेस. क्लियर? द डायरिया इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन स्पेशली दोज बिटवीन 6 months एंड 2 years ऑफ एज. एंड ऑल्सो डायरिया इज मोस्ट कॉमन इन पर्सन विद द माल न्यूट्रिशन. ऑल्सो पॉवर्टी रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी immune deficiency, lack of personal and domestic hygiene may cause diarrhea. जो poverty है reduce gastric acidity हुई immune deficiency हुई lack of personal and domestic hygiene. जो personal hygiene है domestic hygiene है उसकी कमी हुई ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब diarrhea cause कर सकते हैं. Clear? That poverty, reduce gastric acidity, immune deficiency, lack of personal and domestic hygiene may cause diarrhea. Diarrhea result in dehydration which causes death in children. जो डायरिया है उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट डिहाइड्रेशन निकल के आता है जो चिल्ड्रंस में डेथ भी कर सकता है. जो चिल्ड्रंस है उनकी डेथ भी हो सकती है डायरिया की वजह से. क्लियर? द डायरिया रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन विच कॉजेज डेथ इन द चिल्ड्रन. अब बता दिए जो डायरिया है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है. क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डायरिया आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर फूड और डायरेक्टली बाय फिंगर्स डर्ट एटसेट्रा. ज़्यादातर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं जैसे जो वायरस बैक्टीरिया एस्केरिस प्रोटोजोअन्स वगैरह हैं जो भी डायरिया कॉज करते हैं वो या तो वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू या फिर डायरेक्टली फिंगर्स और डर्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो डायरिया है वो स्प्रेड हो जाता है. क्लियर? दैट मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डायरिया आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर फूड और डायरेक्टली बाय फिंगर्स डर्ट एटसेट्रा. अब बात आती है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. लूज मोशंस अकर फ्रीक्वेंटली एकम्पनीड बाय वॉमिटिंग. जो डायरिया है वो काफ़ी सीवियर डिसीज है. क्लियर? स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रंस. तो ये जो डिसीज इसमें क्या होता है लूज मोशंस हो जाते हैं दे अकर फ्रीक्वेंटली एकम्पनीड बाय वॉमिटिंग और वो काफ़ी फास्टली होते हैं जिसमें वॉमिटिंग भी प्रेजेंट हो जाती है वॉमिटिंग भी हो जाती है. इट कॉजेज डिहाइड्रेशन इन द बॉडी लीडिंग टू दैट स्पेशली इन चिल्ड्रन. अब डायरिया की वजह से क्या होता है डायरिया की वजह से जो बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है वाटर की कमी हो जाती है. क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है दिस लीड्स टू द डेथ स्पेशली इन चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस में स्पेशली डेथ हो ही जाती है. क्लियर? दैट लूज मोशंस बी फ्रीक्वेंटली एकम्पनीड बाय द वॉमिटिंग एंड इट कॉजेज डिहाइड्रेशन इन द बॉडी लीडिंग टू डेथ स्पेशली इन चिल्ड्रन. ऑल्सो सडन ऑनसेट ऑफ लूज मोशन कैन बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन ऑफ बॉबल.
नॉर्मली लूज मोशंस का ऑनसेट रहता है वो किसकी वजह से कॉज होता है? वो होता है इन्फेक्शन ऑफ बॉवल। बॉवल में इन्फेक्शन होने की वजह से ही सडन ऑनसेट लूज मोशंस का हमें देखने को मिलता है। डायरिया स्टूल्स इन मेनी केसेस आर वाटरी, बट इफ ब्लड इज विजिबल इन स्टूल्स द कंडीशन इज कॉल्ड डिसेंट्री। क्लियर? नॉर्मली जो डायरिया स्टूल्स होते हैं ज्यादातर केसेस में वाटरी होते हैं, लेकिन यदि जो स्टूल है उसमें ब्लड विजिबल हो तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो डिसेंट्री की कंडीशन है। क्लियर? दैट सडन ऑनसेट ऑफ लूज मोशंस कैन बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन ऑफ बॉवल एंड डायरिया स्टूल्स इन मेनी केसेस आर वाटरी, बट इफ ब्लड इज विजिबल इन द स्टूल्स द कंडीशन इज कॉल्ड डिसेंट्री। अब बात आती है प्रिवेंशन की बात। रिगार्डलेस ऑफ द क्यूसेटिव एजेंट ऑफ द एज ऑफ पेशेंट द ट्रीटमेंट इज रिहाइड्रेशन। रिगार्डलेस ऑफ द क्यूसेटिव एजेंट ऑफ द एज ऑफ पेशेंट द ट्रीटमेंट इज रिहाइड्रेशन। सिंपलेस्ट है कि नॉर्मली जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसके लिए रिहाइड्रेशन ही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, देखो जो डायरिया है वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है, दैट इज वाटर की लॉस हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है। तो हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रीटमेंट के लिए वाटर की प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, वाटर की एक्सेस करानी पड़ेगी, दैट इज जो लॉस हुआ था उसको अगेन गेन करना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिहाइड्रेशन। तो इसका सिंपली जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, रिहाइड्रेशन। क्लियर? दैट रिगार्डलेस ऑफ द क्यूसेटिव एजेंट ऑफ द एज ऑफ पेशेंट द ट्रीटमेंट इज रिहाइड्रेशन। एंड ड्यूरिंग डायरिया नॉर्मल फूड इनटेक इज एसेंशियल। जो डायरिया है उसके टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल फूड इनटेक करना चाहिए। न्यूबोर्न इन्फेंट्स विद डायरिया कैन बी गिवन ब्रेस्ट फीडिंग विद ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, दाल वाटर एंड कोकोनट वाटर। जो भी इन्फेंट्स हैं, न्यूबोर्न इन्फेंट्स हैं, जो डायरिया के पेशेंट्स हैं, उन्हें फर्स्टली ब्रेस्ट फीडिंग जो उनकी मदर का मिल्क है फर्स्टली उन्हें वो प्रोवाइड करना चाहिए बाय ब्रेस्ट फीडिंग। ऑल्सो हमें उन्हें ORS देने चाहिए, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट गिवन देने चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट दाल वाटर हुआ, कोकोनट वाटर हुआ, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको इन्फेक्ट होने से बचाएंगी, उसको बेटर एक वे में रखेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, दैट ड्यूरिंग डायरिया नॉर्मल फूड इनटेक इज एसेंशियल, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स विद डायरिया कैन बी गिवन ब्रेस्ट फीडिंग एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दैट इज ORS, वी कैन से दाल वाटर एंड कोकोनट वाटर ऑल्सो विद दैट। एक्चुअली इन केस ऑफ डायरिया अलोन एंटीबायोटिक्स एंट्रोमाइन कोरामाइन स्टीरॉइड्स मेक्साफॉर्म एटसेट्रा शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट। क्या होता है, डायरिया के केस में कोई भी एंटीबायोटिक एंट्रोपाइन कोरामाइन स्टीरॉइड या मेक्साफॉर्म ऐसी जो पिल्स हैं वो इस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, दे शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट बिकॉज हार्म टू द पेशेंट। क्योंकि ऑब्वियसली क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट को हार्म पहुंचा सकती हैं। समझ आया, दैट इन केस ऑफ डायरिया अलोन एंटीबायोटिक्स एंट्रोपाइन कोरामाइन स्टीरॉइड्स मेक्साफॉर्म एटसेट्रा शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट बिकॉज दे कॉज हार्म टू द पेशेंट। ये तो हो गया हमारे प्रिवेंटिव मेजर। इसके बाद आते हैं हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मेजर्स टू रिड्यूस ट्रांसमिशन आर, सबसे पहले जो ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस करने के मेजर्स क्या क्या है। फर्स्ट, इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है वो इम्प्रूव्ड रहनी चाहिए। एक्सक्रीटेड डिस्पोजल जो है उसको एक बेटर वे में हैंडल करके रखना है, दैट इज उसको सैनिटाइज एक प्रॉपर वे में करना है। एंड इम्प्रूव डोमेस्टिक एंड फूड हाइजीन, जो फूड हाइजीन है डोमेस्टिक हाइजीन है उसको इम्प्रूव करके रखना है, एक बेटर वे में उसे मैनेज करते हुए चलना है। क्लियर? दैट मीजर्स टू रिड्यूस ट्रांसमिशन आर इम्प्रूव वाटर सप्लाई, एक्सक्रीटेड डिस्पोजल एंड इम्प्रूव डोमेस्टिक एंड फूड हाइजीन। ऑल्सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी थोरली वॉश्ड बिफोर यूज, जो भी हमारे फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उन्हें यूज करने से पहले उन्हें एक बेटर वे में उन्हें वॉश करके रखना चाहिए। एंड वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप बिफोर गेटिंग फूड इज असेंशियल। फूड लेने से पहले, दैट इज फूड को इनटेक करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हैंड्स हैं उनको सोप के थ्रू वॉश कर लेना चाहिए। हस्क ऑफ इसबगोल सीड विद वाटर एंड कर्ड प्रोवाइड रिलीफ, और जो इसबगोल सीड्स हैं उनकी जो हस्क रहती है यदि उसे वाटर और कर्ड के साथ प्रोवाइड किया जाए तो ये पेशेंट को रिलीफ भी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? दैट द हस्क ऑफ इसबगोल सीड विद वाटर एंड कर्ड प्रोवाइड रिलीफ टू द पेशेंट।
बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया. एक्चुअली जस्ट आई मीन टू से इन द मिडल ऑफ सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया बट आई हैव टू चेक योर रिमेम्बरेंस सो यू हैव टू आंसर व्हाट आर द वेज टू ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड. लेट्स चेक आउट. एक्चुअली ट्रांसमिशन में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डायरिया आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर फूड और डायरेक्टली बाय फिंगर्स एंड डर्ट एक्सेट्रा. देखो डायरिया किसके थ्रू होता है, कौन से ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो डायरिया कॉज करते हैं. वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ और जो हमारे इंटेस्टिनल वर्म्स हुए जैसे एस्केरिस हुआ, इनके थ्रू ही जो डायरिया है वो स्प्रेड होता है. क्लियर? डायरिया क्या है, एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है. क्लियर? इंटेस्टिनल डिसीज है और वो किसके थ्रू स्प्रेड होती है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड एस्केरिस जैसे वर्म्स के थ्रू ये स्प्रेड होती है. तो सबसे पहली बात क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डायरिया कॉज करते हैं उनके थ्रू वो ट्रांसमिट होती है. और वो ट्रांसमिट कैसे होती है, जो हमारा फूड है, वाटर है या फिर नॉर्मली जो फिंगर्स और डर्ट है उनके थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाती है. तो अब हमें यदि रिड्यूस करना है तो उसके लिए सिंपली जो कंटामिनेटेड फूड वाटर है उसका यूज़ नहीं करना, हमें एक प्रॉपर जो हाइजीन वाले फूड का यूज़ करना है. वाटर हाइजीन रहना चाहिए, डर्ट ना हो, दैट इज हमें डोमेस्टिक और पर्सनल हाइजीन दोनों ही मेंटेन करके चलनी है. तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया दैट मोस्ट ऑफ द पैथोजेनस ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डायरिया आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर फूड और डायरेक्टली बाय फिंगर्स डर्ट एटसेट्रा. इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने डायरिया के बारे में स्टडी किया. हमने उसके साथ में स्टडी किया कि जो डायरिया है वो कैसे होता है, कैसे स्प्रेड करता है, क्या उसके प्रिवेंशंस हैं, क्या उसके कंट्रोल्स हैं, क्या उसके ट्रीटमेंट है, क्या उसके सिम्टम्स हैं. आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन गुड लक.